Hello students, my name is Nitish Chandra and I am lecturer in GEMS Polytechnic College. Today, I am going to teach about integration by partial fraction, part 2. In this is lecture number 11. Previous, we have seen that how to integrate partial fraction, part 1. In part 1, we have seen the different types of examples of partial fraction. And converted into the partial fraction into simplest form, and then we have to integrate. So the purpose of this partial fraction integration is to simplify the questions in the simple way and then solve the question. Okay, so we are going to start with question number 1. Earlier class we have seen that question. So, here we are going to start with question, okay. Question is, I equal to integration of 1 upon x cube plus x square plus x plus 1 dx. Okay, so what we have to do is we have to simplify this question. Okay, breaking into the two form. So x square we have to take common, x plus 1 plus 1 plus 1 dx. Okay. Then it will become like integration of 1 upon x square x plus 1 and x square plus 1 dx. Okay. Now apply partial fraction will come. One upon x plus 1 x square. Here integration of this thing is very difficult. Integration of this part is very difficult to solve. So we are converting into then simplest form by using partial fraction. Okay, so it will become as a by x plus 1 plus, here quadratic is there, quadratic, so we are going to b x plus c upon x square plus 1. So the equation will become 1 upon x plus 1 into x square plus 1 equal to a x square plus 1 plus b x plus c into x plus 1. Okay, upon LCM is x plus 1 and x square plus 7. Okay, now इसलिए the ये cancel हो जाएगा, क्या बच गया, 1 equal to a x square plus a plus b x square plus b x plus c x plus
सी ओके. नाउ वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी. ठीक है फिर एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बी प्लस सी. फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको ए प्लस सी ले जाएगा. ठीक है तो नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड इक्वेटिंग कांस्टेंट ऑफ बोथ साइड. ओके तो क्या हो जाएगा यहां पर क्या है जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी. ठीक है तो इसका कांस्टेंट क्या है एक्स स्क्वायर का तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो. ठीक है बी प्लस सी क्या हो जाएगा जीरो एंड ए प्लस सी क्या हो जाएगा वन. ठीक है तो यहां से हम ए की वैल्यू क्या मान लेंगे ए इक्वल टू इसलिए ए इक्वल टू माइनस बी. तो ए कहाँ है अगर ई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू वन तब इसको सॉल्व कर दो माइनस बी प्लस सी इक्वल टू वन. जब ऐड करेंगे दोनों को तो ऐड हो गया तो टू सी इक्वल टू वन इसलिए सी इक्वल टू वन बाई टू एक वैल्यू आ गया. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ यहां पर ओके माइनस बी प्लस हाफ इक्वल टू वन से माइनस बी इक्वल टू वन बाय टू इसलिए बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू. ओके सो तो इसलिए ए इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वन बाय टू क्या आ गया वन बाय टू. सो हेयर वी हैव फाउंड ऑल ए बी सी हेयर वी हैव फाउंड ऑल ए बी सी इसलिए ए इक्वल टू वन बाय टू बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू एंड सी इक्वल टू वन बाय टू. ओके नाउ पी एफ इसलिए पी एफ पार्शियल फ्रैक्शन इक्वल टू वन बाय टू एक्स प्लस वन प्लस माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. ठीक है तो पी एफ क्या बन जाएगा इक्वल टू इसको सॉल्व करो वन बाय टू एक्स प्लस वन प्लस प्लस माइनस कर दो यहाँ माइनस वन बाय टू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. ठीक है नाउ इंटीग्रेट आई पी एफ इसलिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ वन बाई एक्स प्लस वन डीएक्स माइनस वन बाई फोर यहां पर मैंने टू से मल्टीप्लाई करके टू डिवाइड कर दिया है टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स प्लस हाफ ऑफ वन एक्स स्क्वायर प्लस.
इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है यहाँ, इसीलिए करना पड़ा। तो हाफ ऑफ इसका क्या हो जाएगा, हाफ लॉग एक्स प्लस वन माइनस वन बाई फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर। सो ये समझ में आ गया। सो यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, इस पार्ट को पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद टर्म इजी हो जाते हैं, ये मैं बता चुका हूं। इसका यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन लॉ लगेगा, ये हो गया I1, ये I1, I2 और I3, ये तीनों को अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तीनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक, वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वन इज सम स्लाइटली डिफरेंट। दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट, दिस इज इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। ओके, सो वी विल राइट द क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन दैट इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू टू प्लस साइन एक्स। ओके, सो सॉल्यूशन विल बी लाइक y इक्वल टू, यहाँ क्या है साइन एक्स के फॉर्म में है, तो हम इसको साइन को जितना भी पहले ब्रेक कर देंगे साइन के रूप में। क्यों? बिकॉज हेयर ऑल द वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले साइन के जगह y पुट करेंगे या x पुट करेंगे, x तो है ही तो y पुट कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे, स्मॉल टर्म मिलाएंगे, साइन टू इंटू कॉस एक्स ओके अपॉन वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स। आई इक्वल टू लेट, यहां पर लेट लगाएंगे, लेट साइन एक्स टू वाई, इसीलिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड साइड क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अब हमारे यहाँ क्या दिख रहा है, कॉस एक्स डी एक्स है तो यहाँ डी वाई पुट कर देंगे और साइन एक्स की जगह टी पुट करेंगे, देन आई विल बिकम एज टू वाई अपॉन इंटू डी वाई अपॉन वन प्लस वाई प्लस इंटू टू प्लस वाई। ओके, दिस विल बी द ठीक है। नाउ अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, इसीलिए टू वाई अपॉन वन प्लस वाई इंटू टू प्लस वाई इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस वाई प्लस बी अपॉन टू प्लस वाई। टू वाई विल बी, ये आसान है, ए इंटू टू प्लस वाई प्लस बी टू वन प्लस वाई। नाउ टू वाई इक्वल टू a प्लस बी इंटू वाई प्लस
टू ए प्लस बी, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को नाउ कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, तो ए वाई का कोफिशिएंट क्या है, वाई का टू, ए प्लस बी इक्वल टू टू, और कांस्टेंट का कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो। इसीलिए अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू और बी इक्वल टू टू माइनस ए। तो यहां पर पुट करो, यहां पर ये वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2 माइनस ए इक्वल टू जीरो इक्वल टू ए ए प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसीलिए a इक्वल टू माइनस टू आ गया, ठीक है। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस b इक्वल टू टू, इसलिए b इक्वल टू फोर, दोनों आगे ए बी। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन टू, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वेशन टू, सो पार्शियल फ्रैक्शन विल बिकम बिकम एज माइनस टू अपॉन वन प्लस वाई प्लस फोर अपॉन टू प्लस वाई, टू प्लस वाई, ठीक, दस इंटीग्रल दस दस आई विल बिकम एज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू अपॉन वन प्लस वाई प्लस फोर अपॉन टू प्लस, कितना इजी हो गया, अब पहले कितना टफ लग रहा था लेकिन अब इजी हो गया, ठीक है डी वाई। अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टू अपॉन वन प्लस वाई या फिर माइनस टू, यहां पर माइनस टू को बाहर कर दें तो यहां पर वन डी वाई, फिर प्लस फोर वन प्लस टू प्लस वाई डी वाई। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू माइनस टू लॉग वन प्लस साइन एक्स वन प्लस वाई प्लस फोर लॉग टू प्लस वाई, लेट्स सी। सो नाउ नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वैल्यू ऑफ वाई इक्वेशन थ्री, सो आई विल बिकम एज माइनस वाई इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, इसलिए वाई टू लॉग वन प्लस साइन एक्स
plus 4 log 2 plus sin x plus c. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, आंसर ओके, हमारा आंसर ठीक है. तो हम मैं बताना चाह रहा था कितना इजी वे में हो गया. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस, गो एंड थिंक अबाउट द क्वेश्चंस एंड जस्ट सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, देन इंटीग्रेट इट. डोंट ट्राई टू इंटीग्रेट डायरेक्टली. इफ यू ट्राई टू इंटीग्रेट इट डायरेक्टली देन यू विल बी इन प्रॉब्लम. सो फर्स्ट थिंग, देन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, देन यू हैव टू थिंक अबाउट विच पार्ट ऑफ दिस, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स और integration by partial fraction, which types of the question is this. If you identify this type, then it the question will be very easy. Okay, now next question is last question but not the least question. You have to practice in your home. Okay, don't worry about the numbers, just worry about the concepts. Okay, if you are understanding in one question itself, no, that is enough. No need to worry about more questions. E to the power x upon 1 plus ex in 2 plus ex. तो ये भी आसान है, dx. यहाँ पर भी we can apply partial fraction. Solution is like that. If ex equal to y, then ex dx equal to dy after differentiating both. Both side. Okay. So the answer will become as, thus I will become as integration of 1 upon 1 plus y to 2 plus y dy. Okay, so here we can apply. यहां पर अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां थोड़ा दिमाग लगाना है. तो हम यहां दिमाग लगा, अगर हम मान लो कि ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 plus y minus 1 plus y upon 1 plus y 2 plus y. क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon 2 plus y या 1 plus y minus 1 upon 2 plus y, ऐसे लिख सकते हैं ना. तो ये चीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है इसमें 1 अपॉन 2 है, इसमें कन्वर्ट कर दिया. थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना था, ठीक है. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप. ठीक है, तो यहां पर मैंने यही चीज किया है. तो बाई, ये क्या है मेथड, बाई मेथड ऑफ डिफरेंस. आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस वाई माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई dy.
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको i को अलग अलग कर लेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस y, तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, 1 प्लस y इंटू 2 प्लस y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट हो रहा है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कट गया और ये एक कट गया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1। अब कितना आसान हो गया, पहले कितना टफ लग रहा था, अरे यार ये कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद बहुत इजी हो जाता है। इसलिए आप लोग को यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नो नीड टू वरी। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग 1 प्लस वाई माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस वाई, बहुत इजी है, प्लस सी। ये हमारा क्या है इक्वेशन 3, 14, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, वी हैव y इक्वल टू कितना है ex, इसीलिए i क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 प्लस ex माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस ex प्लस c। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, सो we have understood about the different types of partial fraction, how to resolve it and how to integrate it. So किसी भी तरह का problem आए आपको क्या करना है कि simplify कर देना है partial fraction में, उसके बाद उसको integrate कर देना है। जब simple रूप में आ जाएगा, जैसे multiply को हम क्या कर देंगे, multiply को हम addition रूप में लेते आएंगे, subtraction रूप में लेते आएंगे, किसी भी form में लाके या इस perfect square form में लाके या कैसे भी लाके हम उसको सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व इंटीग्रेट करते, तो इंटीग्रेशन विल बी वेरी इजी। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास दैट वन इज लेक्चर 12, we will learn about first integration by parts. Okay, so in this class we will take more sections. Okay, part 1, part 2, because there are many examples are there, part 3 like this. Okay, so on, so depending on the examples, how many examples we are taking in the class, So depending on that, we will make part-wise lectures. Okay, so thank you so much for listening. Please subscribe this channel for more videos, latest videos. Okay, we will take one class for exam also. Okay.